हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में होक्से गायकवाड़ और स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। फ्रेंड्स, मैं आप आज को दिखाऊंगा कि हमने बाइक कैसे मॉडिफाई की और कौन से पार्ट यूज किए, सभी में डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो मॉडिफिकेशन में सबसे पहले चीज़ आती है डिज़ाइन सिलेक्ट करना। तो डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हमने, काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तब जाके हमने एक प्रॉपर डिज़ाइन सिलेक्ट किया कि एग्जैक्टली हमें इस टाइप का बाइक चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था, हमें बाइक में थोड़ा बल्क लुक लाना था, जिसकी वजह से हमने सिलेक्ट किया इसको थोड़ा सुपर ड्यूक टाइप लुक दे देते हैं। और उसकी वजह से हमने कॉन्टेक्ट किया नट्स एंड बोल्ट्स का, जहाँ से हमने ऑर्डर किया है एसिकेट, और एसिकेट फाइनली हमारे पास पहुँच चुकी है। अनबॉक्सिंग कर रहा है हमारा ऐसे किट, इसका प्राइसिंग और आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी उनको पूछ सकते हो, वो रिप्लाई यही देते हैं और ऑर्डर के लिए सारी चीज़ें वहीं से हो जाती है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट अपना एक साइड का फ्लैरिंग और ये रहा दूसरी साइड का फ्लैरिंग। ये बाइक पे कुछ इस टाइप से लगेगा और इस पे अभी कलर होना बाकी है, कलर के बाद एकदम कूल दिखेगी ये चीज़। आप देख ही सकते हो, इसको लगने के बाद थोड़ा बाइक में बल्कनेस आ जाती है और लुक काफ़ी शानदार हो जाता है। पेंटिंग होने के बाद ये बहुत ही कूल दिखने वाला है। तो नेक्स्ट वर्क हमारा आता है पेंट जॉब, जिसके लिए हम चलते हैं गैराज पे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम गैराज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ होने वाला है पेंट जॉब का काम, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं साहिल भाई और जिग्नेश भाई। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम ये वाले सब फ्लेयरिंग उतारेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले चीज़ का कलर चेंज करवाना है। तो फ्लेयरिंग अभी जिग्नेश भाई आ रहे हैं, वो हमारी हेल्प करने वाले हैं, तो उनके आने के बाद हम फ्लेयरिंग का काम शुरू करते हैं। सो फाइनली जिग्नेश भाई आ चुके हैं और अपना अभी काम शुरू होने वाला है। सबसे पहले सीट निकालेंगे, थोड़े फ्लेयरिंग निकालेंगे, आगे के फ्लेयरिंग और टैंक निकालेंगे। बस आज के लिए इतना काम है और बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या करना है। फ्लेयरिंग उतरने के बाद ये देखो बाइक कैसे दिख रही है। और अब बारी है टैंक की, और पीछे का ये हेड टेल लाइट भी अलग हो जाएगा, सॉकेट उसको मैं काटना पड़ेगा। तो चलिए फिर से थोड़ा काम करते हैं और टैंक निकालने के बाद मिलते हैं। डे टू। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मैं और जिग्नेश भाई ने मिलकर थोड़ा टेल का सब पार्ट्स निकाला था, और आज 1 2 3 4 कारीगर लगे हुए हैं और पूरा बाइक ही खोल दिया। ये देखिए, यहाँ सब पार्ट्स पड़े हुए हैं अपने, और अभी चीजिस के एक्स्ट्रा पार्ट्स के कवरिंग का काम चालू है, क्योंकि मेन सबसे पहले हमें चीजिस कलर करवाना है। तो उसके लिए जो भी वायरिंग है उसको सब टैप करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ताकि उस पर पेंट ना उड़े। तो वही काम चल रहा है और आगे देखते हैं क्या काम होगा। सो ये रही अपनी ड्यूक 390, पूरी कवर हो चुकी है और पेंटिंग के लिए रेडी है। तो अभी साहिल भाई इसको चेजिस पेंट करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे और बाइक देके आते हैं। 1 2 दिन वहाँ लगेगा और उसके बाद हम सारा दूसरा काम शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, वापस से एक बार हम गैरेज पे आ चुके हैं, और लास्ट टाइम हम जब गए थे तो साहिल भाई ने चेजिस पेंट के लिए दे दी थी, तो वो आगे की चेजिस हो चुकी है, पीछे की चेजिस अभी नियॉन के लिए बाकी है। तो और इस वक्त साहिल भाई दोनों टायर निकाल चुके हैं और फ्रंट टायर की डिस्क अलग कर रहे हैं। तो ये जाएगी कलर में आज, और ये ऑलरेडी आप देख ही सकते हो, लगता है अपनी बाइक पहचान में नहीं आ रही, तो ऐसी बाइक की हालत है। टायर आज होगा, फ्रंट डिस्क के स्क्रू इतने टाइट है कि एलन की भी टूट गया। जिग्नेश भाई दिखाओ एलन की, एलन की तोड़ डाला है। बोलो क्या करेंगे आप, नया लगाएंगे। जब आपकी बाइक में से टूल गेट निकाल लाओ। हमें टूल गेट में से एक पार्ट कम हो गया।
कल हम जो टायर छोड़ के गए थे उसका काम हो चुका है, तो दो मैकविल ब्लैक हो गए, नियॉन चेसिस का काम भी कंप्लीट हो गया और सॉइल मैंने काफ़ी सारा फिनिशिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया है। सो दोपहर में पार्ट्स फिटिंग का काम करते हुए नाइट हो चुकी है। यहाँ देखिए एक एमटी का भी काम चल रहा है, तो इस वक्त हमें करना है रिम पे हमें स्टिकर किट लगाना है। तो ऑलरेडी हमने अमेजोन से ऑर्डर कर रखा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस टाइप का हमने स्टिकर किट मंगवाया है, तो ये पिटसन ग्राफिक का है और इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये एक स्ट्रिप अभी लग रही है, एक साइड पे टोटल 3 स्ट्रिप लगेगी, टोटल 12 स्ट्रिप आती है, वन टायर पे 6 लगेगी, तो 12 पूरी किट में आ ही जाती है, तो इजीली इंस्टॉल हो ही जाएगा ये। हर परफेक्ट। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्राफिक वाले की शॉप पे, तो यहाँ अपना KTM का लोगो कटिंग हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें कटिंग होने वाली है, तो काफ़ी सारे टाइम जाने वाले हैं यहाँ पे। तो इस वक्त एक हमें स्ट्रिप लगाना था 2 इंच का, वो लग रहा है, तो ये लग रहा है परफेक्ट, तो कटिंग होके हमने कंप्यूटराइज कटिंग करवाया है और ये परफेक्ट लग चुका है। पहले वाला जो हुआ था कटिंग उसमें हमें बराबर लगा नहीं, तो हमने ये फिर से थोड़ा लंबा पट्टा कट करवाया क्योंकि सारा परफेक्ट लुक आ पाए, और इसमें जो हमें बीच में जो कट लगाने थे इस वक्त वो कट लग रहे हैं। तो फ्लेयरिंग पे काफ़ी सारे अभी ग्राफिक्स होने बाकी है, तो उसका भी काम होगा, तो काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है आज। तो यहाँ पे शॉप ध्रुव भाई और जिग्नेश भाई ऐसी किट पे काम कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट हम गैरेज पर मिलते हैं। बाइक पूरी तरह से रेडी है, सिर्फ कूलेंट और एग्जॉस्ट का काम बाकी है, तो बाइक कल रिवील होने वाली है मेरे बर्थडे के दिन। बाइक रिवील का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। तब तक हम बाइक का काम फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।